जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। प्रभास की राधे श्याम किस बॉलीवुड सुपरस्टार से टकराने वाली है? आपको प्रभास की राधे श्याम कैसे प्यार करना सिखाएगी और कौन सी पांच चीजें हैं ताकि लाइफ में बना रहे रोमांस? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, राधे श्याम 14 जनवरी को रिलीज होनी थी लेकिन पोस्टपोन हो चुकी है और अब इस फिल्म को मार्च में रिलीज किया जाएगा। और आपको बता दें कि राधे श्याम भी मार्च में रिलीज हो रही है और बच्चन पांडे भी मार्च 18 को रिलीज हो रही है, यानी कि एक बड़ा क्लैश आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोनों ही जॉनर अलग है, जहां बच्चन पांडे आपको एक कॉमेडी थ्रिलर लेकर आएगी, वहीं जो हमारी राधे श्याम है, हमारी प्रभास है, वो एक रोमांटिक कहानी लेकर आएंगे। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे प्यार के अलग अलग पहलू हैं। वहीं दोस्तों, कपल्स अक्सर ये शिकायत करते हैं कि शादी के बाद उनके बीच का रोमांस मानो खो सा गया हो। ज्यादातर मामलों में ऐसा दोनों की बिजी लाइफ और बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की वजह से होता है। रिश्ते से रोमांस का खत्म होना यानी प्यार में कमी आना, बॉन्डिंग की डोर धीरे धीरे कमजोर होना है। जब इतने सारे नेगेटिव फैक्टर एक साथ जुड़ जाएंगे तो रिश्ता की जो नींव है वो डगमगाने लगती है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे आपका प्यार बना रहे और रोमांस भी बना रहे? तो चलिए आपको बता देते हैं पांच छोटी छोटी टिप्स। तो दोस्तों, आते हुए आपको कुछ सामान लेके आना, ये लड़कों के लिए है, ये छोटा सा चीज़ है लेकिन अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश होता है। मान लीजिए आपकी पत्नी खाना बना रही है, घर का काम कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, आप बाहर से आए, आपने एक कॉल किया और वाइफ को पूछा कुछ लाना है, तो ये आपकी फिक्र जताता है और वाइफ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा एक लिटिल किस, सुनने में थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये सिर्फ लिप किस की बात नहीं है, फोरहेड, चीक किस, ये सब भी कर सकते हैं और ये किस आपके प्यार में, आपकी शादी में रोमांस बना के रखता है। आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। वहीं दोस्तों, मानो या मानो लेकिन साथ में कुकिंग करना न सिर्फ एक दूसरे की मदद करना है बल्कि ये साथ में कुछ पल हैं जो एक साथ निभाए जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद साथ में डिनर करना और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है और आप ये कर सकते हैं, इससे भी आपका प्यार बना रह सकता है शादी के बाद। वहीं बात ज़्यादा करें, जी हाँ, चाहे जो हो जाए बात ज़रूर करें, एक दूसरे से पूछें कि दिन कैसा रहा, उसके बारे में चाहे तो चर्चा करें, इमोशनल सपोर्ट दें या वर्क में या किसी मुद्दे में जुड़े स्ट्रेस के बारे में बात करें, ये बढ़ रहा है तो कैसे इसे कम किया जा सकता है ये करें। कडलिंग, ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें इतना दम है कि जितना किसी में नहीं। कडलिंग करते हुए बात करना या फिर कडल करते हुए सो जाना, ये पार्टनर को एक दूसरे से क्यूट और बहुत ज़्यादा फिजिकली अटैच रखता है, जिसकी वजह से आपका जो टेंशन है वो दूर होता है। तो दोस्तों, पांच टिप्स हमने दे दी है, इसको ज़रूर फॉलो करें। और कितना वेट है आपको राधे श्याम का ये भी बताइए, और आपको क्या लगता है अगर राधे श्याम और बच्चन पांडे का क्लैश होता है तो कौन आगे निकल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।